हेलो एवरीवन, मैं पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के काउंसलिंग के नियमों को लेके, जिसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि किस स्थिति में वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे और किस स्थिति में वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी आपका चल रहा है ऑल इंडिया कोटा राउंड वन और स्टेट कोटा राउंड वन एक साथ चल रहा है। इसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड टू और स्टेट कोटा राउंड टू एक साथ चलेगा, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में आपको कॉलेज मिल गया तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो या फिर उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। फ्री एग्जिट कर दिया तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू के लिए भी एलिजिबल हो, स्टेट में भी सारी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं, आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो आप ये मान के चलो आपको ऑल इंडिया कोटा टू में कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेना पड़ेगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो या तो आप निकलवा लो अपने डॉक्यूमेंट 15 तक, ठीक है, आप रिजाइन कर दो 15 फरवरी तक, ठीक है, आप रिजाइन कर दो तो आप ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में और स्टेट में एलिजिबल हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, रिजाइन नहीं करा, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपका अपग्रेड हो जाता है या आपका अपग्रेड नहीं होता। अपग्रेड नहीं होता तो भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो कॉलेज आपको पहले राउंड में अलॉटेड है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा और आप कहीं पे भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अपग्रेड हो जाता है, जैसे आपकी चॉइस नंबर 85 मिली राउंड वन में और सेकेंड राउंड में आपकी चॉइस नंबर 74 मिली, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो आपको 74 नंबर की चॉइस पे आपको जाना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन कराना पड़ेगा 85 से 74 पे, नहीं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो सब जगह से, ठीक है। समझ में आ गया आपको ऑल इंडिया कोटा के रूल्स। अब बात करते हैं अपन ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड की और स्टेट कोटा के राउंड की, जिनमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। अभी मैं अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के टेस्ट ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और अगर आप भी आओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, आप कोड यूज कर लेना पुलकित10 PULKIT10, जिससे आप फ्री में क्लास में आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर 2022 और 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करिए, ठीक है। 2022 के लिए 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है और 2023 के लिए आपकी 32 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। PULKIT10 अगेन कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करेंगे आपके साथ, आपको अपनी ऑल इंडिया में क्या पोजीशन चल रही है वो पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में अगर मान लो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन है अगेन, ठीक है, आप उस सीट पे रिपोर्टिंग कर देते हो तो काउंसलिंग खत्म, ठीक है, उस सीट में आपको रहना पड़ेगा, एमबीबीएस करनी पड़ेगी। आप उस सीट को छोड़ देते हो तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपीज वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, पर आप स्टेट के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, स्टेट के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आगे मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिशन करा दिया, ठीक है, अभी, तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो क्या? नहीं हो, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपने अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन कराया, फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड से पहले, ठीक है, जो फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा वहां तक आपको रिजाइन करने का टाइम दिया जाएगा स्टेट के फर्स्ट राउंड के बाद में। अपने स्टेट के राउंड वन से अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के आप वहां पे भी रिपोर्ट कर सकते हो तो आप वहां पे भी एलिजिबल हो। मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा का वन का बता दिया क्या क्या सिचुएशन हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा टू की आपको बता दी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, स्टेट कोटा का वन का बता दिया और स्टेट कोटा टू का बता दिया, ठीक है, और मॉप अप राउंड का भी आपको बता दिया किस कंडीशन में आप एलिजिबल हो। आप हर कंडीशन में एलिजिबल हो, अगर आप स्टेट के राउंड टू और ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में अगर डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करते हो तो आप मॉप अप के लिए एलिजिबल हो ऑल इंडिया कोटा में जो होने वाला है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो आपके पास अभी आपको करना क्या चाहिए ये मैं आपको फाइनल बता देता हूँ। 13,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको अगर है और आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा से तो आप वहाँ पे रिपोर्ट मत करो, फ्री एग्जिट ले लो। सेकंड राउंड में आपको उससे बेटर कॉलेज मिलेगा डायरेक्ट और आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, आपको सेकंड राउंड में भी रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अभी रिपोर्ट कर दोगे तो फिर आगे दिक्कत क्या क्या हो सकती है मैंने आपको एक बता ही दिया, ठीक है। अपग्रेड नहीं होता है तो आपको उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा और अपग्रेड होता है तो आपको रिपोर्टिंग कराने जाना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी है दिमाग में, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट ले लेना है, ठीक है। और जो पीछे के बच्चे हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी चांस है कि लास्ट मॉप अप राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ का वीडियो बना रखा है,
पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें आपको पता लग जाएगा कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी सीटें आ सकती है ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपको जो भी डाउट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको दिख रहा है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं उस पर अपडेट देता रहता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।